पिक्चर अभी बाकी है, इमरान खान अभी मैदान में है, अली मोहम्मद खान ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान का नवाज शरीफ के केसेस खत्म होने के हवाले से कहना था कि या तो नवाज शरीफ को पहले गलत सजा दी गई थी या आज उनको गलत रिलीफ मिला है, और अगर नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस गलत थे तो जिन लोगों ने उनकी हुकूमत गिराने की साजिश की उनके खिलाफ केस बनाए और जिन्होंने उनको सजाएं दी उन सबको सजाएं होनी चाहिए। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इमरान खान या हमारी जमात की नवाज शरीफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हमारे सामने जो रिपोर्ट्स पेश की गई थी उनकी बुनियाद पर हमने नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया था, लेकिन एक बात की दाद नवाज शरीफ को जरूर देनी चाहिए कि वो पूरे निजाम, हुकूमत, मीडिया और यहाँ तक कि अपनी जमात को भी चकमा देकर निकल गए थे। इस बात पर तो मियाँ साहब को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। एंकर मेहर बुखारी ने कहा कि मैं भी तो यही बात कर रही हूं कि नवाज शरीफ आप लोगों से ज्यादा खुशकिस्मत हैं और सिस्टम को भी आप लोगों से बेहतर जानते हैं, इसलिए चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि आप इतनी जल्दी फैसला ना करें, पिक्चर अभी बाकी है, खान अभी मैदान में है और खान के सिपाही भी मैदान में है, असल फिल्म तो अभी बाकी है।